अलैकुम, क्या हाल है आप लोग के? अल्लाह का शुक्र हम ठीक हैं। बस मुकद्दस की तबीयत अभी भी ख़राब ही है और थोड़ा मेरी भी कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हो रही है जो तबीयत ख़राब में है, तो कुछ ना कुछ ना हमारे साथ हो जा रहा है। तो अभी एक और ट्रेजेडी हो चुकी है, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ है। तो चलें फिर वहीं चल के दिखाते हैं। तो बेचारा अहमद जब से उसी में लगे हुए हैं, पता नहीं यार क्या हो रहा है, नज़र लग गई है। वाकई सही कह रहे हैं आप लोग, नज़र लगी है। तो कपड़े धोने डाले थे अहमद के मैंने, तो पानी जो है ये देखें, पहले तो इनसे मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निदाब खान ब्लॉग। तो ये मशीन हमने चलाई, तो इसके पीछे से जो है पानी निकले जा रहा और पानी मशीन में रुक ही नहीं रहा। तो पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो जब से अहमद अभी यही देख रहे हैं, तो काफ़ी गीले थे तो उसको थोड़ा सा स्पिन कर रहे हैं। स्पिन तो हो रहा है सही से, स्पिन कर रहे हैं ना। हाँ यार, हो मैं भूल गई गलती से, सॉरी। रुकना नहीं था मेरे बिल्कुल जहन में नहीं रहा। अबे यार मुझे वो नहीं करनी थी, मैं बिल्कुल भूले जा रही हूँ। आगे मैंने दूसरी दफ़ा किया ये, मैंने मेरे जहन से ही निकल जा रहा है। सॉरी हम वीडियो पर है, सॉरी बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल जहन नहीं रहा। हाँ मुझे पता है मेरे जहन में नहीं रहा, तो पहले से ही चलो पानी निकल रहा है, ये मत बोला मैंने खराब कर दी। नहीं वो पता है असल में बंद नहीं करना था मुझे ना, बिल्कुल मेरे जहन से ये निकल गया, क्योंकि हम लोग ना वो करते हैं स्टार्ट और स्टॉप वगैरह, तो मेरे जहन में वही था, बिल्कुल जहन में नहीं रहा। मैंने ना ढकना खोल दिया थोड़ा सा, वो मशीन रुक गई, इधर रोकनी नहीं थी फिलहाल। तो खैर यार आई एम सॉरी, तो इससे तो चलो कुछ नहीं हुआ, दोबारा बंद कर दिया, चल गई वो। लेकिन वो कह रहा है अभी फ़िलहाल मत चलाओ, मुझे सिर्फ ये देखना है कि स्पिन पूरे तरीके से हो रहा है या नहीं, वरना यही वहम रहता है कि शायद रोकने से नहीं हुआ। तो हो रहा है स्पिन, तो सिर्फ पानी का कोई प्रॉब्लम आया कि पानी नहीं रुक रहा, और अचानक ही वही कपड़े तो नॉर्मल हम डालते हैं उसी तरीके से निकाल लेते हैं, और अब अचानक ऐसा हो गया। तो किचन देखें अभी थोड़ा सा फैला हुआ ही है, मैं किचन में ही जा रही थी लेकिन मुकद्दस रोने लग गई थी, तो मैंने उनको पकड़ाया है अभी, लेकिन वो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल उसको ले रही हूँ, जब वो काम कर लेंगे फिर मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि ये वॉकर में बैठ नहीं रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो ये सूप पीती है ना दवा खा रही होती है, इतना तंग करती है। तो जब लाया जा रहा है थोड़ा सा सूप पिलाया जा रहा है, क्योंकि गला ख़राब होने की वजह से सूप पिएगी तो इसके लिए बेहतरी है, ऐसे पीती है ये, लेकिन पिलाना ज़रूरी है, कोई बात नहीं रोती रहे। कभी कभी जो है ना लोना 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 भी अत्ता होता है मम्मा की जानी गुड़िया। गाइस कभी कोई डैडी को देखा है अपनी बेबी को पिलाते हुए? मम्माएं पिलाती हैं, यहाँ पे देखें डैडी पिला रहे हैं। थोड़ा रुक के अहमद, रुक के मुझे मूवी बनानी थी इसलिए डैडी पिला रहे हैं। तो कैसा लगा आपको अपने बच्चों को भी ऐसे ही सूप मिलाएं, क्योंकि सूप इस वक्त ऐसे बीमार ऐसी हालत के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे ना भी पिए तो ज़बरदस्ती पिलाएं। तो चलें आपको हम दिखाते हैं, आगे आगे चलते जाइए क्या हो रहा है। और हमने अपना सूप फिनिश कर लिया है, क्योंकि इनका भी गला ख़राब है और मेरा भी। चलो अब मैं इसको चुप कराती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या नाम है, हम अभी थोड़ा अपने बच्ची को खिला रहे हैं, बेचारी थोड़ी तबीयत से दो चार हो रही है, तो हमने सोचा थोड़ा सा उसको इंजॉयमेंट कराएं, थोड़ी सी चलाएं। तो गाइस देखिए ज़रा ये चल रही है गाइस, अभी इतरा रही है, कह रही है मैं बैठ के खेलूंगी अब। मैं उससे पहले जो है वो चल रही थी भाग भाग के, दौड़ दौड़ के। ये बच्चों का होता ही है हमेशा, जब भी दिखाना चाहे जहाँ पर वहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी ईं दिखाया थे। तो खैर है कोई बात नहीं, मेरी बच्ची को ज़मीन पे चलना है ज़मीन पे चल जाए, और चल, उसकी मामा भी घुटने बैठ के चल रही है। देखो चलो जाओ डैडी के पास जाओ, वो देखो सामने बच्ची बच्ची घुटने चल रही है और माँ गोद मुकद्दस
देखो डैडी को देखो सामने मुकद्दस। असल में आज हमने सोचा हम अपनी बेटी को पूरा पूरा टाइम देंगे, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो खेलने अभी थोड़ा सा मूड अच्छा है तो हमने कहा चलो इसके साथ खेलते हैं तो आपके साथ भी शेयर करके चले बुलाए मुकद्दस मुकद्दस। उसको ना बीजे से कुछ और चीजें दिखने लग गई हैं वापस से तो अब ये चलेगी नहीं, अब ये ड्रामे करेगी बस। मुकद्दस मुकद्दस क्या कर रही हो बेबी, आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही मेरा बेटा, कहाँ जा रहा है मामा की जानी में? इधर आओ, इधर आओ मुकद्दस, मुकद्दस ये ढूंढ रही है कोई गंदी की मिल जाए मैं उसे उठाऊं तो इक्का दुक्का कुछ इसको पड़ा हुआ दिख भी रहा है ना सीधा उसके पास भाग रही है। ये देखा इसको दिखा हुआ है भैया एक पत्थर सा पड़ा हुआ, ये बैठने का नाम नहीं लेती है और अब इस वक्त गड़ी ऑन है ना तो खड़ी नहीं हो रही है। ये देखो ये उसको बैठना नहीं है गोद में, उसको खड़े उसको चलना है बस। बेइज्जती करानी बेइज्जती मुकद्दस ऐसे। तो आप लोग सब हम इसके लिए दुआ किया करें, ज़रूर अल्लाह ताला सबकी बेटियों के बेटों के नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। माशाल्लाह से भी दवा वगैरह सब खाई हुई है तो इस वजह से थोड़ी सी फ्रेश है तो हमने कहा इसके साथ खेलना चाहिए तो हम अपनी बेटी के साथ खेल रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा और हमारा खेल देखते रहिएगा, इसको भूलिएगा जो साथ रहेगा हमारा। बारी है, अब बारी है डैडी के भागते हुए आने की। मोटे डैडी। मुकद्दस गंदी पहले हैंड वॉश करो, देखा आपने मोटे डैडी इस तरह कम भी हो जाएंगे। मोटे डैडी वापस। मुकद्दस ऐसी आ रही है उसको। अच्छी आई बेटी को कमी सही करा उसकी। अच्छा हाथ है आपका, मैडम जी पेट है। तो देखा आपने इस तरह से डैडी भी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो बेटी भी खुश हो रही है। तो वैसे तो मैं भी मोटी हुई नहीं हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। अभी भी पता है इसको बुखार है, हल्का हल्का हो रहा है, दवा पिलाई भी है लेकिन बुखार है। अब थोड़ी देर बाद ही ज़रा सोएगी तो फिर मैं, मुझे किचन में भी काम भी है तो अब क्या करना है चलें थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, कुछ नया सोचते हैं अपनी बच्ची के साथ हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए। इसकी खुशी देखना, खुशी होती है कंधों पे बैठने की। बाप के कंधे ही अलग होते हैं वैसे एक बात है। मुकद्दस कहाँ चली गई? मुकद्दस मामा, मुकद्दस मामा। सीरियस हुई है, सीरियस मजा ले रही है। बाल देखें, बाल कैसे किस तरह से टाइट मुट्ठी में बाल पकड़े हुए, फुल एंजॉय कर रही है। चलो भागे डैडी, जूम 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 जूम। अरे हाय पप्पू अम्मा फुल मजे ले रही है सब कुछ, खुशी की बात नहीं सुननी। चलो भाई क्या वो उतार दे बस, चलो बस बस कर ले मुकद्दस करने या नहीं। ये हो भाई ये समझ आया, अच्छा शीशे में दिख रही थी खुद अपने आप को इसलिए जो है इतनी सीरियस अपने आप को देखे जा रही है। आप अपने आप को देख रही थी मेरी बेटी, ओए मेरा बेबी सोना। तो अब देखते हैं आगे क्या होना है, देखें
हैं ये सोती किस स्टाइल में है। ये ऐसे सोती है कि पूरी अपनी हाथ और टांगों को पूरे फैला के खोल लेती है और इसको ऐसे लटक के सोना होता है। अभी कहाँ सेट है, अकड़ा अकड़ दी दारी, अब इसको थक गई है। नहीं अहमद इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं करें। उसका चेहरा क्या हुआ हुआ दिखा तो दें। हाँ डरेगी लग रही थी मुझे। अरे नींद में, अब नींद में खेल ली, बहुत खेल लिया, अब उसको नींद आ रही है। सूखी हो गई है मेरी बच्ची, चले ना सुलाएं। तो अब आप इसका सोना देखें, जब ये थोड़ी सी बड़ी होगी ना फिर बोलेगी मेरे डैडी इतने कॉमेडियन है। अब खेल खिलाने लग गया उसको। मुंह से हाथ निकाल लें। तो अब आप ये देखें, इसने ना एक नया काम करना, एक मिनट, एक नया काम शुरू किया है करना। जैसे ही झूले में इसको हम लिटाते हैं ना, तो ये इसकी शक्ल देखिएगा ये कैसे करती है। अब देखते रहें, ये इसकी शक्ल बदल गई, ये देखें सोने वाली शक्ल नहीं मस्ती वाली हो गई। और अब देखें ये लेटते ही क्या करेगी, अब बेइज्जती ना करा दे ये। चलो भाई सो जाओ। अल्लाह अल्लाह करा दी बेइज्जती, सोने लेट गई है तो। कितनी तेज़ हो मुकद्दस, आप सारी बेइज्जतियाँ करा रही हो। अभी तो ये लेट गई, वरना ये क्या करती है झूले के अंदर ही ना गोल 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 होना शुरू हो जाती है तेज़ तेज़। ये देखें अभी तो बहुत स्लो कर रही है ये, और अब शक्ल देखा करें इसकी, कहाँ बात हुई है ये, कहाँ बात हुई है। सारी मम्मा ती जानू ना बेइज्जती करा ली है मम्मा दादी की, वैसे कुछ भी नहीं कर रही जो करती है। ये होता है इसका खेल झूले के अंदर। और कभी कभी हम लोग को इतना डर लगता है कि ये गिरा ना ले अपने आप को, फिर बैठ जाएगी यूँ और पीछे की तरफ ना गर्दन लटकाती है, तो डर लगता है फिर हम लोग को। मुकद्दस चलो स्लीपिंग टाइम। नहीं सोना, नहीं सोना, नहीं चुना, नहीं चुना, नहीं चुना। चलो यहाँ तो हो गई हमारी फिर से बेइज्जती, ना इसने चल के दिखाया ना इसने झूले की मस्ती दिखाई। तो इस बेइज्जती के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई दवा टाइम आया है, अब आप इसको देखिएगा ये दवा कैसे पीती है। जैसे ही दवा के लिए हम बोलेंगे ओपन योर माउथ, तो इसका माउथ देखिएगा कैसे बनाएगी। ओपन योर माउथ, और योर माउथ, ये ओपन योर माउथ। अच्छा ओके 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 जस्ट ओपन योर ओपन ओपन योर माउथ। सुने हर जगह बेइज्जती कर रही है ये तो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखा इसको इस रिंग से नफरत हो चुकी है। अब मेरे पास आना है। एक दो, एक दो। देखा आपने किस जगह हमारी बेटी ने हमारी बेइज्जती नहीं कराई। ओपन योर माउथ, वैसे मुंह नहीं खोलती जब दवा होती है मैं, और अब कैसे ऐसे ही होता है। हर जगह इसने वो चीज़ करी है जो करती नहीं है, वो चीज़ इस वक्त वीडियो में की है सारी चीज़ें। और जब से भी हम जब सच में दवा खिला रहे थे ना, नहीं खोल रही थी मुंह, ऐसे डाल लेती है टाइट, मैं डालती रहती हूँ फिर भी टाइट करी हुई होती है। और अब देखो कैसे इसने खोला है, चलाक होते हैं भाई बच्चे, चलाक। मुकद्दस आप कहाँ बात हो ली मेरी बेटी को। ओपन योर माउथ, अब तो करेगी, अब तो करेगी। कितने तेज होते हैं बच्चे, किस किस के बच्चे ऐसे बेइज्जती कराते हैं सब लोगों की, अपने माँ बाप की बताइए, के वैसे करते हैं और जब बोलो तो करते ही नहीं है। जी तो मैं अब आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मुकद्दस सो गई है और मुकद्दस के साथ साथ अहमद भी सो गए। मुकद्दस के पास ही बैठे हुए थे, मैं वॉशरूम गई
वॉशरूम से वापस आई हूँ तो ये भी सो गए, दोनों सो गए। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने आप लोग को बताया था ना कि चावल रखे हों अगर तो उनको हम दोबारा से रिन्यू करके, तो देखा आपने अब ये उठेंगे तो मैं इनको बोलती हूँ। एक दो सामान बाहर से लाना था, अब उठाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर वरना देर हो जाएगी तो लॉकडाउन लग जाएगा, बिगड़ती में लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। बाकी मैं जब तक किचन विचन समेटूँ, ये थोड़े से बर्तन वर्तन हैं और चावल वगैरह तैयार करूँ। मैं तो यार खिचड़ी बना रही थी आज, मेरे भी पेट में बड़ी गड़बड़ है, लेकिन वो अहमद कह रहे हैं कि उनको वो चावल खाने हैं मिर्चों वाले, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं भी वही खा के ख़त्म करूँ पहले, बाद में बना लूँगी कुछ नया। तो चलें फिर चलते हैं अपने अपने काम पर, तो हमारे साथ रहिएगा। मैं भी थोड़ी देर में अहमद को उठा दूँगी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर सोने दूँ, आधा घंटा 15-20 मिनट तो हो ही गए सोने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि उसको सुलाते सुलाते खुद भी सो गए। अल्लाह 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 ला इलाहा। तो गाइस अभी हम लोगों ने आज मुकद्दस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया, बहुत ज़्यादा खेले मुकद्दस के साथ, और मैं सो भी गया था बीच में, थकन हो गई थी मुझे काफ़ी, और मुकद्दस भी सो गई थी साथ। मेरी हालत देखे अब क्या हो चुकी है। तो अब हम करेंगे अपना खाना, रात का खाना खाएंगे, खाना हमारा आज तक का बिल, आज तक का नहीं आज का, तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था। तो अपनी दुआओं के साथ याद रखिएगा हमें, और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और शेयर करें, और ज़रूर सपोर्ट करें हमें। थकी हुई शक्ल हो रही है क्योंकि मुझे सब नींद आ रही है। पता मुकद्दस की तबीयत सही नहीं है, जिस वजह से हमारा खुद का भी एक मूड जो है ना वो इस तरह नहीं बन रहा कि वो आप लोगों को एंटरटेन कर सके, लेकिन हम जितना कोशिश हो सकती है ना हम करते हैं आपको, कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसकी वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माशाल्लाह से इसका जब दवा का असर ख़त्म हो रहा है ना, इसको तब ये तबीयत ख़राब हो रही है, दवा खिलाने के बाद इसका काफ़ी अच्छा हो रहा है, और आप मुझे तो अजीब सा बना रहे हैं, सिर्फ मुँह लेकर ये देखो फिर भी थोड़ी बेहतर लग रही हूँ, ये तो ऐसे ले रहे थे मुझे तो ना। क्या बात बता रही थी मैं, आ जाओ आ मम्मा जब बेटा चोना चोना आ जाओ कम बेबी। तो बस देखा आपने माशाल्लाह से, थोड़ा सा अभी घबरा रही है क्योंकि अब हम जगह जगह इसको छोड़ रहे हैं ना, फिर ऐसे ले लिया ना आपने इसलिए, ऐसे ये मेरे पास आना चाह रही है, लम्बे पक गई। अच्छा, आप लोगों से मेरी शक्ल और हालत से लगी रहा होगा, मैंने इसलिए बाले से बांध लिया अब, क्योंकि ना मुझे घबराहट सी शुरू हो रही है, मेरा बीपी हो रहा है लो, इसलिए मुझे ना कुछ समझ नहीं आता मेरी इस वक्त, सच में आप लोग को देख के लग रहा होगा क्या हालत हो रही है। तो चलें इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, तो हमारे साथ रहिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, और हमारी अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बच्ची के लिए दुआ करिएगा जरूर कि वो और मैं जो ऐसे होलिये में आती हूँ ना, आप लोग ये नहीं सोचिएगा ये कैसी रहती है यार, मैं थक गई हूँ। अल्लाह हाफिज़।